हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को पढ़ाएंगे कि मैक्सिमम पावर किसी सर्किट का आप कैसे निकालोगे। तो ये प्रॉब्लम दिया गया स्टूडेंट, ये आपका एसएससी जेई का प्रॉब्लम है, 2021 में पूछा गया है। तो हम लोग आज कैलकुलेट करेंगे इस प्रॉब्लम का, मैक्सिमम पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका कॉन्सेप्ट को बताएंगे। तो कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है स्टूडेंट, समझना है। अपना नोट निकालिए, नोट कॉपी निकालिए और पेन निकालिए, और आपको क्या करना है, नोट करते जाना स्टेप बाय स्टेप जो हम बता रहे हैं उसको आप चुपचाप नोट करिए। एंड तक वीडियो में बने रहिए, आपको समझ में आएगा, हम 100% गारंटी लेते हैं स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, ये आपका प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का ये सर्किट दिया गया है। इस सर्किट में आपको क्या करना है स्टूडेंट, आप ही समझो कि कैलकुलेट मैक्सिमम पावर, मतलब आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम पावर और लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू को पूछ रहा है। दो चीज पूछ रहा है स्टूडेंट कि लोड रेजिस्टेंस का वैल्यू को आप बताओ और मैक्सिमम पावर को कैलकुलेट करके बताओ इस सर्किट का मैक्सिमम पावर क्या होगा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं स्टूडेंट कि लोड रेजिस्टेंस को आपको फाइंड आउट करना है। तो लोड रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के पहले आपको क्या करना होगा, जो लोड रेजिस्टेंस यहां पर दिया गया है, सबसे पहले लोड को क्या करना है स्टूडेंट, ओपन सर्किट करना। तो आप क्या करो, लोड को क्या करो, ओपन सर्किट करो। तो आपने लोड को क्या किया, ओपन सर्किट कर लिया स्टूडेंट। अब लोड को ओपन सर्किट करने के बाद आपको क्या करना है, आर एल का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो लोड को जब ओपन करोगे स्टूडेंट और आर एल का वैल्यू को फाइंड आउट करोगे तो वोल्टेज सोर्स को आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। तो आपने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को क्या कर लिया, शॉर्ट कर लिया। अब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करने के बाद आप सर्किट को देखोगे तो आपका सर्किट कुछ इस तरह नजर आएगा। ये आपका स्टूडेंट 30 ओम होगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 150 ओम हो जाएगा। और ये आपका ए टर्मिनल होगा स्टूडेंट और ये आपका क्या होगा, बी टर्मिनल होगा। ठीक है, आपने क्या किया, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट किया। जब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करोगे तो आप आर एल या आरटीएच वैल्यू फाइंड आउट करोगे। जो आपका आरटीएच होगा स्टूडेंट वही आपका क्या होगा, आर एल होगा। इसका मतलब है, इसका मतलब है कि 30 और 150 का कनेक्शन कैसा है स्टूडेंट, वो आपका क्या होगा, पैरेलल कनेक्शन होगा। तो आप यहां से क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे आरटीएच का वैल्यू। तो आप देखो आरटीएच का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट, तो आप ही बताओ कि आरटीएच का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आरटीएच का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 30 और 150 का कनेक्शन कैसा है, तो आप ही बताओ स्टूडेंट कनेक्शन कैसा होगा। आप इस साइड से देख रहे हो तो दोनों का कनेक्शन जो होगा पैरेलल होगा। तो 30 गुना 150 डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30 प्लस क्या हो जाएगा, 150। इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 150 और डिवाइडिंग बाई क्या हो जाएगा, आपका 180 हो जाएगा स्टूडेंट। ये आपका कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये आपका कैंसिल हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, 6 से कटेगा स्टूडेंट। अब फिर इसको काटोगे 2 से तो ये क्या हो जाएगा, 75। और ये आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 3। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 3 6। और ये आपका स्टूडेंट, इसको कैंसिल करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आरटीएच का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 25 ओम होगा। अब देखो आरटीएच का वैल्यू कहां पर है, आरटीएच का वैल्यू 25 है और आरटीएच जो होगा वही आपका क्या होगा, आरएल होगा। क्योंकि हम प्रूफ करके बताए हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में आरटीएच इक्वल टू क्या होता है, आपका आरएल होता है। आरटीएच इज इक्वल टू स्टूडेंट क्या होता है, आरएल होता है। इसका मतलब है कि आपका आरएल का जो वैल्यू होगा वो आरटीएच के बराबर होगा और आरटीएच जो निकला है वो क्या निकला है, 25 निकला है। इसका मतलब आरएल का वैल्यू जो हो जाएगा स्टूडेंट वो क्या होगा, 25 होगा। इसका मतलब यहां पर क्या है, 25 है। ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ये ऑप्शन हो सकता है, या तो ए हो सकता है, या तो सी हो सकता है। बट आपका पावर मैक्सिमम कैलकुलेट करना है क्योंकि यहां पर मैक्सिमम पावर 225 है और यहां पर क्या है, 200 है। और मैक्सिमम पावर को कैसे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, तो आपको बता चुके हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में मैक्सिमम पावर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पी मैक्स का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट वीटीएच का स्क्वायर और डिवाइडिंग बाय क्या होता है, 4 आरटीएच होता है। तो आरटीएच का वैल्यू तो आपका निकल चुका है, वो आपका क्या है, 25 है। बट वीटीएच का वैल्यू अभी तक नहीं निकाले, पहले आप वीटीएच का वैल्यू को निकालेंगे स्टूडेंट और तभी जाके आपका मैक्सिमम पावर निकलेगा। इसका मतलब यहां पर यदि हम लोग वीटीएच निकालते हैं तो इसके अक्रॉस जो ड्रॉप होगा वही आपका क्या होगा, वीटीएच होगा। तो वोल्टेज डिविजन रूल से हम लोग स्टूडेंट क्या करते हैं, वीटीएच का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो वीटीएच का वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप ही बताओ। तो वीटीएच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस ड्रॉप निकालना है तो 150 डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, 30 प्लस क्या हो जाएगा आपका, 150। और सप्लाई वोल्टेज जो है स्टूडेंट वो क्या आपका, 180 है। आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 150 और डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, 180। और ये आपका क्या हो जाएगा, 180। इसको कैंसिल करोगे स्टूडेंट तो आपका क्या हो जाएगा,
50 वोल्ट हो जाएगा, 150 क्या हो जाएगा, वोल्ट हो जाएगा। इसका मतलब स्टूडेंट आपका VTH का वैल्यू भी निकल गया। आपसे पूछता यदि इस सर्किट में VTH का वैल्यू निकालो तो आप क्या बोलते हैं, VTH का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट क्या होगा, 150 होगा, और RTH का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, 25 ओम होगा। और RTH और RL क्या होता, बराबर होता है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम में आपको प्रूव करके बता चुके हैं। इसका मतलब RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 ओम हो जाएगा। अब VTH का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 150 वोल्ट हो जाएगा। बट VTH में पूछ रहा है स्टूडेंट आपका मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, तो मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है Pmax इज इक्वल टू VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होता है स्टूडेंट, 4 RL होता है। अब जो जो वैल्यू को आप कैलकुलेट किए हो उसी वैल्यू को क्या करना, पुट अप करना। तो लिखो 150 का होल स्क्वायर, मतलब 150 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 150, और डिवाइडिंग बाय क्या हो जाएगा, 4 और आपका RL का वैल्यू स्टूडेंट वो आपका क्या, 25। तो ये 15 मल्टीप्लाई करोगे तो 225 आ जाएगा स्टूडेंट, और ये आपको सॉल्व करोगे तो ये आपका 100 आ जाएगा, और ये आपका 4 हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसको कैंसिल करोगे तो ये क्या होगा स्टूडेंट, 25 होगा, और 25 से इसको कैंसिल करोगे तो 25 होगा स्टूडेंट। अब देखो पावर का कैलकुलेशन करके आ रहा 225 क्या हो रहा, वाट हो रहा है। इसका मतलब है कि आपका जो पावर मैक्सिमम होगा इस प्रॉब्लम का वो आपका क्या होगा स्टूडेंट, 225 वाट होगा। इसका मतलब है कि आपका क्या है, 225 वाट है, यहां पर पावर कितना है, 200 वाट है, तो ये तो नहीं होगा। इसका मतलब है ये प्रॉब्लम क्या होगा सर, इस प्रॉब्लम का ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। मैक्सिमम पावर जो हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा, 225 वाट होगा, और RL का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, 25 ओम होगा। तो आपसे इस तरह का सर्किट दिया जाए और मैक्सिमम पावर निकालने के लिए बोला जाए, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 4 RTH। तो पहले सर्किट में आप VTH को फाइंड आउट करो, उसके बाद RTH को फाइंड आउट करो, और इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट अप करो, तो जो पावर आएगा वही आपका इस सर्किट का क्या होगा स्टूडेंट, मैक्सिमम पावर होगा। तो आपसे पूछ सकता है कि मैक्सिमम पावर और ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको याद रखना है ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा गया है एसएससी जेई में। तो VTH का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय क्या होगा, 4 RTH होगा। उसके बाद पूछेगा कि जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम लगाते हो तो RTH इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो RTH इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, RL के बराबर होता है। इसका मतलब RTH इक्वल टू क्या होगा, RL होगा। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट, ये होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम को आपको इसी तरह सॉल्व करना है। तो आप स्टूडेंट यहां से यहां तक लिखो, एक दो बार प्रैक्टिस मारो, रिवीजन करो, आपको समझ में आएगा। थैंक यू स्टूडेंट, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। यदि कोई चैनल में नए आए तो चैनल को क्या करना है स्टूडेंट, सब्सक्राइब करना है। वंदे मातरम।